Mimi? Hey. हसबिल्लाम शैतान राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हमारी दुआ है आप सब देखने वालों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़मान दे, सेहत दे, अल्लाह पाक सब की नेक दिली ख्वाहिशात अल्लाह पाक सब की पूरी करे, और अल्लाह पाक फ़लस्तीन के बहन भाइयों की क्या भी मदद करे। आमीन सुम आमीन। इसे नेक और प्यारी दुआ के साथ वीडियो को करते हैं जी आगाज़। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद दानिश ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं भी शेयर कर रहा हूं आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है उसकी ज़ात का। लेकिन आज इनके थोड़ा सा कन्फ्यूज़ इसलिए हूं क्योंकि इस बार भी मेरा इनके जहन था, कोशिश थी कि इतकाफ़ करूँ इंशाल्लाह। पिछले साल भी किया था, इस साल भी था, इस साल भी मेरा इनकी मेरा मुझे ये ना अंदर फीलिंग थी कि इंशाल्लाह इस बार भी इंशाल्लाह इतकाफ़ करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इतकाफ़ पे नहीं बैठ सकूँगा क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आप बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहिएगा। तो मेन चीज़ बहन भाइयों क्या है, मेन चीज़ ये है कि दो हफ्ते यानी कि रेस्ट के हो गए हैं। दो हफ्तों से जिनका मैं काम कर रहा था उनका मटेरियल वगैरह अभी तक नहीं आ रहा। दो हफ्ते हो गए, वो उनका पत्थर जो है था बनवाना उन्होंने वो बंद कर नहीं आ रहा। सीढ़ी बनवानी थी वो बंद कर नहीं आ रही, तो इसलिए दो हफ्ते मेरे समय लोग ज़ाया हो गए हैं। अगर वही दो हफ्तों की मैं अपनी अर्निंग इकट्ठी करता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इतकाफ़ आराम से कर सकता था क्योंकि पीछे फैमिली का सर्कट जो है वो चल जाना था। तो अब इतकाफ़ करना मुश्किल है, अब इतकाफ़ नहीं कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो मेरे अल्लाह की रज़ा है, क्योंकि अगर वही दो हफ्तों की अर्निंग मेरे पास होती तो मैंने इतकाफ़ भी कर लेना था और मेरी फैमिली भी घर में खुशहाल रहनी थी। अगर मैंने अब इतकाफ़ कर लिया तो पीछे फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि अब भी दो हफ्तों से फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हुनर दिया है। तो इधर रोज़ काम चलता रहे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का एहसान है। जब नहीं भी होता फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करूँगा कि इतकाफ़ करूँ, लेकिन कोई उम्मीद फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कहीं से भी ना, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही क्योंकि काम भी एंड पे आ गया है और इधर से भी अगर दो हफ्ते काम करता तो फिर अपना इतकाफ़ कर सकता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ने चाहा तो अगर इतकाफ़ नहीं किया तो अपनी फैमिली, अगर इतकाफ़ करता हूँ तो फैमिली पीछे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए इतकाफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए काम ही करूँगा इंशाल्लाह। 10 दिन जो इतकाफ़ के हैं वो इस बार नहीं करूँगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर काम करूँगा अल्लाह पाक खैर करे। अगर काम मेरा जो है वो भी एंड पे है तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा काम रहता है वो जितना मेरा काम रहता है समझ लो कि उतनी मेरी पीछे पेमेंट रहती है। मालिक तो कहते हैं आप इतकाफ़ कर लें, ईद के बाद आप आकर काम कर लेना, लेकिन मेन चीज़ जो है अगर मैं इतकाफ़ कर लूँ तो पीछे घर वाले कहाँ जाएंगे, उनको भी तो देखना है ना, क्योंकि घर का सरबराह जो मैं हूँ फिर सारा घर का निज़ाम देखना है। देख बस अब हर चीज़ डिपेंड तो मेरे ऊपर होती है ना। फिर तो 3-4 माह से मैं कोशिश कर रहा था कि अपना बजट सेव कर लूं इतकाफ़ के लिए, लेकिन करते 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 नहीं सेव कर सका, बजट भी सेव नहीं कर सका और बीच में 2 हफ्ते रेस्ट भी होगी। अभी भी मैं काम पे आकर बैठा हुआ हूं, सीढ़ी आनी थी, अभी 11 बज चुके हैं, 11:30 हो गए हैं, सुबह का के बैठा हूँ, 11:30 हो गए हैं, अभी तक भी सीढ़ी नहीं आई। तो जब भी सीढ़ी आएगी देख सब मिलेगी, आज का दिन भी ख़त्म ठीक है। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, आप सपोर्ट करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह
अपने बच्चों के लिए इस दफ़ा इतकाफ नहीं करना, ठीक है? तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएंगे क्योंकि बजट सेव नहीं कर सके। रेस्ट जो दो हफ्ते के बीच में रेस्ट होगी, तो इंशाल्लाह बाकी जो व्लॉग है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेरा काम है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आज शेयर करता हूँ। और ये जो मीमा है ना, ये मीमा इधर मेरे पास आ गया माशाल्लाह। देखो इसको मैंने ज़रा सा प्यार दिखाया है और अभी ये मेरे पीछे पीछे है। मीमे ओए मीमे ओए मीमे निकाया मेमू ओए 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 हेलो। इधर देखो ये बकरी का मेमा है, छोटा सा क्यूट सा है ये बहन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम है जो कि मैंने आज से दो हफ्ते पहले लगा दिया था, ठीक है? मार्बल है नीचे फुट पे, दो फुट का बाहर सनी ग्रे मार्बल है और अंदर टवीरे की जो नस्ल है ना वही है, कोई वरोना अंदर वरोना लगाया सारा। तकरीबन 2700 स्क्वायर फुट नीचे था, ये जो फर्श है ना नीचे वाला ये 2700 स्क्वायर फुट है, ठीक है? जिसमें ये बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, छोटे कमरे नहीं बड़े बड़े कमरे रखे हुए हैं क्योंकि ये देहात का घर है ना, और बाहर स्टेरस और बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा काम जो कि मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम का एंड है, बिल्कुल काम का एंड है। तो बस कुछ दिन की ब्रेक होगी, बस उसी वजह से। बस आप सबको पता है कि अगर जो मजदूरी करने वाला इंसान है अगर उसका एक दिन टूट जाए ना तो वो बराबर नहीं होता। बाकी अपने बच्चों के लिए इंशाल्लाह, सभी अपने भी बच्चों के लिए करते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह इस दफ़ा इतकाफ़ नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अल्लाह की इबादत करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही अपनी इबादत के लिए। तो उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने जो हमें जिम्मेवारियाँ दी हैं, हकूकुल इबाद हैं, हकूकुल अल्लाह हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। हकूकुल अल्लाह जो हैं वो अल्लाह के हकूक हैं, जो कि अल्लाह पाक गफुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है और माफ़ कर सकता है, उसमें कोई शक नहीं, वो ज़ात बहुत बेनियाज है। और जो हकूकुल इबाद हैं इनकी माफ़ी नहीं है, कि इनकी माफ़ी ऐसे नहीं कि जैसे घर वालों के हकूक ना पूरे कर सका तो फिर पकड़ है, बीवी बच्चों के हकूक पूरे ना कर सका तो फिर पकड़ है, माँ बाप के हकूक पूरे ना किए तो फिर भी पकड़ है, अगर ये इन्होंने माफ़ ना किया तो इनके हकूक़ पूरे ना हुए, इन्होंने माफ़ी इन्होंने माफ़ ना किया तो पकड़ ही पकड़ है। तो इसलिए हकूकुल्लाह तो मेरा अब तो बहुत गफूर रहीम है अपने बंदे से, 70 माओ जितना प्यार करता है, और उनके बंदों से उसके जो बंदे हैं ना उनसे डर लगता है, तो क्योंकि ये इनसे उम्मीद नहीं है कि ये माफ़ कर देंगे। इसलिए मैं हकूकुल इबाद जो है उनको आगे रखूँगा अब, तो इंशाल्लाह तो अपना जो हकूक़ है मेरे, जो ज़िंदगी की जिम्मेवारियाँ हैं वो इंशाल्लाह पूरी करूँगा अल्लाह पाक के हुक्म से। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट साल, इस बार भी कोशिश की थी कि अपना बजट सेव कर लूँ इधर इसके लिए, अब तो ना दिमाग ही आउट हो गया इतकाफ़ के लिए। तो चलो कोई बात नहीं इंशाल्लाह, भाई काम भी मैंने अपने भाइयों से शेयर किया है, मुकम्मल तो शेयर नहीं कर सका क्योंकि उनके घर में कैमरा चलाना इतना अलाउ नहीं है, यानी कि मैं अच्छा नहीं समझता कि उनके घर में कैमरा वगैरह इतना चलाया जाए, क्योंकि वो एक वो उनके घर में ना बस मेरा ज़मीर नहीं मानता कि उनके घर में मैं कैमरा ओपन करके अपने जो काम किया उसकी वीडियो बनाऊं। तो कहीं खुली जगह हो जहां फैमिली ना हो वहां तो फिर इंसान कैमरा चला के इनके अपनी वीडियो मुकम्मल कर लेता है, जहां पे फैमिली हो वहां फिर बहुत मुश्किल है ऐसा वीडियो बनाना अपने काम की भी, तो इसलिए फिर उधर कैमरा चलाना इतना मेरे लिए मुनासिब नहीं है।
तो जितना मुझसे हो सका मैंने अपना काम आपसे शेयर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप ऐसे चैनल पे जो सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करते रहें, ताकि क्योंकि एकदम से तो कोई चीज़ भी हासिल नहीं होती, ऐसा ऐसा मेहनत करने से है। तो मेहनत इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहेंगे, तो आपकी दुआएं हमारे लिए ज़रूर होनी चाहिए जैसे हम आपके लिए दुआएं करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक के वाले अपनी और अपने अहल व याल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।